हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल रियाज चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WAMR एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आप किस तरीके से WhatsApp के डिलीटेड मैसेज को रिकवर कर सकते हैं, मैसेज हो, स्टेटस हो, जो भी हो, आप कैसे यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं, सारी A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सारी A to Z जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कैसे क्या आपको यहाँ पर सेटिंग्स करनी है, सभी चीज़ें ये मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है किस तरीके से आप ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको WAMR एप्लीकेशन में आप आपके मोबाइल के जो डिलीट मैसेज रिकवर है आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। सबसे पहले ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्क्लेमर दिखाई देगा। टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी आपको रीड कर लेना है और एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको हेलो दिखाई देगा, रिकवर डिलीट मैसेज, यहाँ पर आपको राइट ये एरो पर क्लिक करना है। सिलेक्ट टू मॉनिटर, आपको कौन कौन से एप्लीकेशन के जो मैसेजेस है उनको यहाँ पर रिकवर करना है, देखना है, तो वो उनको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने WhatsApp यहाँ पर चूज़ कर लिया, उसके बाद ये एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद रिसीवर मैसेज इस तरीके से आपको दिखाई देंगे और डिलीटेड मैसेज भी दिखाई देंगे, तो आपको ये एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद रिमेंबर आपको दिखाई देगा, तो इसको पढ़ लेना है। उसके बाद ये एरो पर क्लिक करना है। मीडिया कॉन्टैक्ट इस तरीके से, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर ये जो सेटिंग्स है ये आपको प्रॉपर कर लेनी है। जैसे ऑटो स्टार्ट मल्टीपल फाइल और नोटिफिकेशन रीडर, इनेबल पर क्लिक करना है। ऑटो स्टार्ट को यहाँ पर प्लीज़ इनेबल WAMR, तो इसको आपको इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद इस तरीके से इसको ऑन करना है, इस तरीके से ऑन करना है और बैक साइड आ जाना है। बैक साइड आने के बाद आपको ये इनेबल मल्टीपल फाइल पर क्लिक करना है और इनेबल करना है। नोटिफिकेशन रीडर पर आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को देखना है और यहाँ पर अलाउ कर देना है और बैक साइड आना है। उसके बाद दोस्तों ये इनेबल पर क्लिक करना है और जैसे ही इनेबल हो जाता है, इनेबल करने के बाद आपको बैक साइड आना है और ये एरो पर क्लिक करना है और ये पर राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे राइट के निशान पर क्लिक कर देते ये सब कुछ ये हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर आपके जितने भी डिलीटेड मैसेज है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, वो यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको एक कोई भी एक WhatsApp से एक मैसेज भेज के दिखाता हूँ और उसको डिलीट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है मुझे अभी आए हैं और यहाँ पर ये जो डिलीट हो जाएंगे तो मैं इनको रिकवर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस बंदे ने मुझे मैसेज यहाँ पर सेंड किया था वो डिलीट यहाँ पर कर दिया है। डिलीट करने के बाद मैं वापस से क्या करता हूँ कि वो एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ आपको, मैसेज वहाँ पर सेव रहेंगे हमेशा के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नाम से मुझे यहाँ पर ये मैसेज आए थे ये सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से मैसेज आए थे, कौन कौन से टाइम पर आए थे, सभी यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई दे रही है और डिलीटेड मैसेज भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल भी रेस्टोर सर्विस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं और भी यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाती है जिनको आप आपके हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करके हेल्प सपोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, WAMR एप्लीकेशन, जिसमें के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे आप रिकवर कर सकते हैं डिलीट मैसेजेस को।